मुझे बताएं, आई सी बिल्कुल जो इस बार आपका कैरेक्टर है किम का, कनीज़ फातिमा का, उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट है, और वो लड़की होगी जिससे एक आम लड़की कनेक्ट कर सकेगी, रिप्रेजेंट कर रही है एक आम लड़की को, ये किम थोड़ी डिफरेंट है। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि जब इसका फर्स्ट टीजर आया था तो नीचे कमेंट्स में कुछ जगह पे था कि ओह फाइनली पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं उसमें लड़की की वार्डरोब चेंज हुई है, उसके कपड़े चेंज हुए हैं। आई विश के लोग ये भी कहें और इंशाल्लाह कहेंगे कि वाह पाकिस्तान में जो ड्रामास बन रहे हैं वो भी चेंज हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ है। कौन ऐसा है जो नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहती 80% शायद हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं लड़कियां, राइट, क्योंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है, जो नहीं लोग एक्सेप्ट नहीं करते, राइट, बट ये लड़की क्योंकि पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर से आई है, और उसकी नज़र में कपड़े इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितनी लोगों की सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग कपड़े देख के ना जज कर लेते हैं, ट्रू, ये ऐसी है या ये ऐसा है या ये, तो इसकी नज़र में वो चीज़ नहीं, इसकी नज़र में एक्शन ज़्यादा मैटर करता है कि कोई इंसान इतना सब कुछ पहनने के बाद झूठ बोल रहा है, कोई इंसान किसी का दिल दुखा रहा है, कोई इंसान किसी को समझ नहीं रहा, कपड़े तो बहुत बात की बात है, आपकी ज़ुबान पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग आई विश के लोग रिलेट करें, बिकॉज यहाँ से सोसाइटी में चेंज आ सकता है। मुझे लगता है कि अब हो गया है, जो लड़कियां अब जो आ रही हैं नई जनरेशन वो मोर और लेस ऐसी सोच रही हैं जैसे आप बोल रही हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, पाकिस्तान में रहते हुए भी ये सोच आ गई है। ऑफ कोर्स राबिया आनी चाहिए, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ये टीवी या सब कुछ देखने, मैं कहती हूँ ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी औलाद को उस तरह से ट्रेन करें, उन लोगों को बताएं कि ये नहीं है, वरना बड़े मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं खबरदार लड़की ने जीन्स पहनी, खबरदार, उसको कभी आप ये भी कह दो कि अपने बेटे को खबरदार तुमने कभी किसी लड़की को गुजरते हुए देखा, कहा जाता है कि जी लड़की जो है अगर सर ढाम के नहीं चल रही तो आप उसको निशाना बनाओ, क्या कभी आपने ये कहा है कि लड़की जा रही है और हम इज्जत दें उसको, ये बहुत गलत है। तो ये और जब यही चीज अपनी बहनों पे आती है या माँ बेटियों पे आती है तो मर्दानगी बाहर आ जाती है, गैरत आ जाती है, because that's not greater than mardangi. और इसमें भी हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि बहुत खूबसूरत सीन्स हैं दाऊद के अपनी बहन के साथ, और कि लव मैरिज अगर आप मतलब लड़का कर रहा है तो इट्स ओके, लड़की कर रही है तो उसको इजाजत नहीं है, लड़की से पूछ तो लें, बात तो कर लें, क्योंकि ये तो हमारा मजहब ही इजाजत देता है इस बारे में, तो ये बड़ी प्यारी चीज है। आई थिंक पेरेंट्स आल्सो जितने पेरेंट्स आउट देयर वो पहले से अपने दिमाग में सेटिंग बना के बैठे हुए होते हैं चीज़ों की, एंड आई थिंक के ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब वो उस एज में थे जहाँ पे उनकी शादियाँ नहीं हुई थी वो भी तो गुजरे उन चीज़ों से, और स्पेशली अगर हार्डशिप से गुजरे तो फिर तो हार्डशिप बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ राबिया ये है जो कि लोग पेरेंट्स कहते हैं, फैमिलीज के बड़े कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए करें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद कहते हैं कि हम सही हैं गलत हैं, ये भी नहीं है, माँ बाप को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट एक कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, तो ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फैसले सुना देते हैं और प्रॉब्लम क्या है वो बाद में पूछते हैं। बिला जब मेरी और आपकी भी थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन नहीं हुआ था, बात हो रही थी, तो आपने कहा जब मैं नॉर्मल था बेसिकली मैंने कुछ नहीं कहा, वो पार्ट एडिट से निकलवा दूंगी पहले वाला। तो आपने कहा कि दाऊद का कैरेक्टर बड़ा कंट्रोल्ड है उसको, तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू टू प्ले। आई थिंक दाऊद ऑफ कोर्स चैलेंज, देखिए गुस्सा जब आता है तो चीखना बड़ा आसान है, जब प्यार की बात होती है या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको एक्सप्रेस करना भी बड़ा आसान होता है, बट दाऊद जो है वो बहुत इस सेंस में कंट्रोल्ड है, बिकॉज वो अपने इमोशंस नहीं शेयर करता इतने आराम से, यहाँ आपको पता नहीं होता एट टाइम्स के यार अच्छा वाकई तो बड़ा एक लग कुछ और है कुछ और, सो इट्स वेरी लेयर्ड एंड so that is challenging, I think. उसको dramatize किए बगैर आपको emotions create करने, of course आपको emotions create करने, आपको you have to अगर even if it's romance दिखाना है या गुस्सा दिखाना है, but that is all control. जैसे माया ने भी कहा के, and I think that's where एहतशाम भाई is amazing, because बगैर कुछ कहे या कुछ किए वो जिस तरह करवाते हैं चीज़ें, it's just beautiful, his blocking,
इज़ फैंटास्टिक. आई थिंक वो जिस तरह सीन्स क्रिएट कर रहे हैं it's very filmy. बिलाल के साथ जब शुरू करना था प्रोजेक्ट तो बिलाल ने मुझे बड़ी एक बात की कि माया मुझसे उर्दू इतनी अच्छी तरह पढ़ी नहीं जाती, मैं बोल नहीं सकता. तो मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, उर्दू में बात करते हैं मुझसे तो ऐसे ही होगा. अब पहला बर्गर बच्चा बोल दो. दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक होती है उर्दू पढ़ना जो मुश्किल हो. आई मीन ओह माय गॉड, हम पढ़ने बैठते थे और सुबह हो जाती थी. अगला दिन आ जाता था, वो सीन खत्म नहीं होता था. पर फिर मुझे ये भी हुआ कि अब पता नहीं बिलाल ने अभी तक तो ड्रामा किया नहीं और इतने ज्यादा सीन्स होंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा. बट आई थिंक मुझे इस चीज़ का क्रेडिट इनको देना चाहिए कि इन्होंने इतनी मेहनत की है उस चीज़ की. और कभी परेशान, वो कहते ना कि साथ वालों को तंग करना अपने को एक्टर्स को, उस तरह से नहीं. और इन्होंने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किया है दाऊद में, जो कि बिलाल और दाऊद बिल्कुल ऑपोजिट है. और मैं एक्चुअली परेशान हो जाती थी कि ओ ये तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया बिलाल ने, मेहनत करनी पड़ेगी अब. प्रेशर था, मतलब प्रेशर था, प्रेशर था. और इतने इतने मुश्किल सीन्स इतनी खूबसूरती से कर जाते हैं तो मैं खुद ऐसे होती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है. ये इसका क्रेडिट बहुत जाता है को एक्टर्स के साथ एंड द डायरेक्टर. ऑनेस्टली एंड आई हैव टू से के एंड द लाइफ ऑफ द सेट एंड द पार्टी इज बिरो साहब and Deepak, rock stars, both of them. And अब जो मेरी एक addition आई है family में, I think आपने उनका भी interview लिया है, Uzma. Oh yeah. I mean, so when जब ये तीन लोग इकट्ठे हो जाएं, काम नहीं हो सकता, सिर्फ party. But Biro साहब, I love you. You know, Deepak, I love you. Fantastic energy. एंड मुझे सीखने को इतना मिल रहा है मंजूर साहब इन सब से, बिकॉज यस इट्स माय फर्स्ट ड्रामा. तो ऑफ कोर्स वो लंबा लगता है, एक फिल्म का पीरियड छोटा होता है, वो एक यू नो 150 पेज 120 पेजेस की स्क्रिप्ट होती है. तो जब भी बल्कि सीन्स भी होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मेरे डायलॉग काट दो. Wow. अच्छा इतने इतने लंबे डायलॉग्स, हाफ पेज के डायलॉग्स राबिया और हम लोग याद कर रहे हैं सारे. और मैंने कहा बिलाल आपको याद हो गया, हाँ जी आप बस क्या. मैं बड़ी इंप्रेस, मैंने कहा आज तो हाफ पेज का डायलॉग याद किया. मैंने कहा चलें अब लाइंस करते हैं ना रिहर्स, दो लाइंस और वो भी ऐसी अपनी. मैं कही क्या किया सारा, मुझे मजाक काट दिया मैंने. मैंने कहा राइटर ने इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इस बात का वजन खत्म, बात कन्वे कर दूंगा मैं अपने. फिर डायरेक्टर साहब आके बड़े तरीके से समझाते हैं बिलाल, हाँ ये तो लाइंस बहुत अच्छी हैं. मैं कहा बोलो आप तो डायरेक्टर अच्छी नकल उतारी है, वैसे आपने अच्छी एक्टिंग की है. मैंने शाहबुद्दीन साहब की अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी की है, बस कुछ पॉलिश हो गई है.